दिख रही कुसुम को तो आप पहचानते ही होंगे। आज से 18 से 20 साल पहले जब ये सीरियल टीवी पर आता था तो उस वक्त कुसुम से बड़ा कोई स्टार नहीं था। कुसुम यानी कि नौशीन अली सरदार उस वक्त हर घर में एक जाना पहचाना नाम बन गई थी, लेकिन यही कुसुम आज की तारीख में बहुत बदल गई है। जरा नौशीन की ये दो तस्वीरें एक साथ देखिए। एक तस्वीर करीब 18 से 19 साल पुराने उनके टीवी शो की है और दूसरी तस्वीर अभी उनकी ताज़ा ताज़ा है। आप खुद देख सकते हैं कि कितना फर्क आ गया है नौशीन के चेहरे में। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्यों पिछले कुछ सालों में नौशीन का चेहरा इतना बदल गया? ऐसा नहीं है कि नौशीन की खूबसूरती में कोई अंतर आया, लेकिन नौशीन की इन दोनों तस्वीरों को देखने वाले ये साफ साफ बता सकते हैं कि नौशीन का चेहरा पूरी तरह बदल गया है। भला ऐसे कैसे हुआ, तो सुनिए। कुसुम सीरियल के बाद अचानक ही नौशीन का साल 2003 में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट में उनके स्कल और कॉलर बोन में फ्रैक्चर हो गया था। इसी के साथ उनकी नाक पर भी चोट लगी थी। बाद में नौशीन को अपने चेहरे की सर्जरी करवानी पड़ी और यही वजह है कि उनके लुक में काफी बदलाव आ गया। जब नौशीन की ट्रांसफॉर्मेशन की पहली फोटो सामने आई तो लोग उन्हें इस बदले हुए लुक में एक्सेप्ट नहीं कर सके। दरअसल लोगों के दिमाग में पुरानी कुसुम की तस्वीर इस कदर बस गई थी कि वो नौशीन के इस चेंज्ड लुक को कबूल नहीं कर पा रहे थे। नौशीन अली सरदार भी ये मानती हैं कि उन्हें कुसुम से पहले फेम की वजह से काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। एक इंटरव्यू में नौशीन ने अपने बदले लुक के बारे में एक और बात बताई थी। नौशीन ने कहा था, लोग सोचते हैं कि मैं हमेशा कुसुम जैसी दिखूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं। दरअसल जब मैं टीवी पर कुसुम का रोल करती थी उस वक्त मेरी उम्र काफी कम थी। मैं उस वक्त सिर्फ 18 साल की थी। दूसरी बड़ी बात ये थी कि मेरा रंग उस वक्त भी इतना गोरा था कि मुझे भारतीय जैसा दिखने के लिए हल्के सांवले रंग का मेकअप करवाना पड़ता था। मेरे बाल पैदाइशी भूरे रंग के थे, लेकिन कुसुम बनने के लिए मैं उस दौरान ब्लैक कलर के बालों का भारी भरकम विग पहनती थी। यानी कुल मिलाकर जिस कुसुम को हम देखा करते थे वो बहुत हद तक मेकअप, विग और नौशीन के बदले हुए रूप का मिला जुला चमत्कार था। अब नौशीन हमेशा उस लुक पे तो नहीं रह सकती, लिहाजा उनके असली लुक पर लोग उन्हें देख कर हैरान रह जाते हैं। एक बार तो नौशीन को उनके पुराने फैन ने उनके बदले हुए लुक के लिए काफी ट्रोल किया था, जिसके बाद गुस्से में नौशीन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी सारी पुरानी फोटोज डिलीट कर दी थी। उनका कहना था कि उन्हें लोगों के उनके चेहरे और बालों के बारे में बात करने से परेशानी हो रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। हालांकि कुसुम के बाद भी नौशीन ने काफी अलग अलग शो जैसे कि कालचक्र, गंगा, बीन बनूंगी, घोड़ी चढ़ूंगी और अलादीन वगैरह में काम किया, लेकिन नौशीन को कभी भी कुसुम जैसी कामयाबी दोबारा हासिल नहीं हुई। अब नौशीन ग्लैमर वर्ल्ड और शूटिंग की दुनिया से दूर एक आम जिंदगी जीती हैं। हाँ, हालांकि इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर वो अक्सर कुछ ना कुछ नया और क्रिएटिव करती हुई नजर जरूर आ जाती हैं।